हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा सा बेबी टॉप, जिसके लिए मैंने हाफ मीटर फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ 20 इंच है और विड्थ 24 इंच है। और मैंने फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड किया है, फोर फोल्ड फैब्रिक करा है और फिर मैंने ओपन साइड से 3.25 पे निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद जैसा हम आर्म होल में निशान लगाते हैं, वैसे यहाँ पे भी आर्म होल का निशान लगाएंगे। हम 1 इंच पे नेक का निशान लगाएंगे, एक स्लोपी सा लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर दिए गए निशान पे हमको कट कर लेना है। और ये फ्रॉक बनके बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और इसके साथ मैंने ब्लूमर्स भी रेडी किया है, इसके लिए भी हाफ मीटर फैब्रिक चाहिए। अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। नेक की साइड हम मशीन का टांका बड़ा करके स्टिच करेंगे। और ये हमने क्रॉस बायस स्ट्रिप लिया है आर्म होल के लिए, इसकी लेंथ 3 इंच है और विड्थ 17.5 इंच है। और ये क्रॉस बायस स्ट्रिप है, इस तरीके से इसको फोल्ड करके इस पर आयरन से हम हल्का सा कर्व शेप में करेंगे ताकि ये आर्म होल पे इजीली बैठ जाए। ये देखिए मैं कर्व थोड़ा सा कर रही हूँ, आयरन से धीरे धीरे आप करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। इस तरीके से दोनों पट्टी रेडी कर लेनी है आयरन की मदद से। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और उसको क्लोज साइज से हमको 3 इंच पे निशान लगाना है दोनों साइड पे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पट्टी को भी हम फोल्ड करेंगे और क्लोज साइज से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे दोनों साइड पर। सबसे पहले हम नेक पे टाका बड़ा करके स्टिच करेंगे और फिर शटल वाला धागा उसको हमें पकड़ के खींचना होता है धीरे धीरे आराम आराम से, और फिर अपने आप ये गैदर्स बन जाते हैं इजीली। ये देखिए मैंने शटल वाला धागा जो है व्हाइट कलर का लगाया है, ऊपर मैंने येलो कलर का लगा रखा था, तो हमें हमेशा शटल वाला धागा खींचना होता है। और ये बहुत ही पेशेंट के साथ करना होता है, अगर धागा टूट जाएगा तो फिर दोबारा हमें करना होता है। और ये चुन करने के बाद ये हमारा इसका लेंथ 6 इंच होना चाहिए दोनों का। फिर हमने क्रॉस बायस स्ट्रिप लिया है जिसकी लेंथ 6 इंच है और विड्थ 3 इंच है, इससे हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। कपड़े को रॉन्ग साइड रख के उसके ऊपर क्रॉस बायस स्ट्रिप रखेंगे और एक पैर के मार्जिन से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद पट्टी को हमें राइट साइड पे फोल्ड करना है। पट्टी को राइट साइड पे फोल्ड करने के बाद किनारे से स्टिच कर लेंगे। तरीके से हमारे दोनों नेक रेडी हो गए हैं। फिर हम क्रॉस बायस स्ट्रिप लेंगे और हमने क्लोज साइज से 3 इंच पे दोनों पे हमने निशान लगा दिया था, थोड़ा और मैं डार्क कर दे रही हूँ। इस तरीके से दोनों साइड पे निशान लगा लेना है और पट्टी को खोल के ज्यादा पट्टी को खींचना नहीं है, आराम से रखना है। किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है एक पैर के मार्जिन से। सिलाई लगाने के बाद फिर पट्टी को हमें राइट साइड पे फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरा आर्म होल भी रेडी करना है।
अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट किया करा करिए। कमेंट करने से ये होता है कि एक मोटिवेशन मिलती है, फिर और अच्छा काम करने को मन करता है। और ये मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ कि कोई भी बिगनर्स भी इसको ईजिली बना सकता है। और ये फ्रॉक 2 से 3 साल की बच्ची के लिए है। और इस तरीके की अच्छे अच्छे प्रिंट लाया करिए और छोटे छोटे बच्चों को पहनाया करिए, तो अच्छा लगता है इस तरीके का फ्रॉक बच्चों पर। दोनों आर्म होल रेडी हो गए हैं, फिर इसके बाद हम फ्रॉक की साइड फिटिंग देंगे। और साइड फिटिंग करने के बाद बॉटम को फोल्ड करेंगे। बॉटम हमेशा डबल फोल्ड करा करें और बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करें। हम बेबी ब्लूमर्स कट करेंगे, जिसके लिए मैंने 1/2 मीटर फैब्रिक लिया है कॉटन का, जिसकी लेंथ 10 इंच है और विड्थ 18 इंच है। और इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। फिर हम ओपन साइड से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। क्लोज साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर एक कर्व निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसको कट कर लेना है। और इसकी कटिंग देखिए कितनी ईजी है, चंद मिनटों में ये कट जाती है। और फिर दोनों साइड से कट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्रॉच एरिया स्टिच करेंगे, अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और इस तरीके का बेबी ब्लूमर्स अगर आप मार्केट में लेने जाएं तो कितने कॉस्टली होते हैं। इससे अच्छा है कि आप घर पे ही लेफ्ट ओवर फैब्रिक पीस का इस तरीके के छोटे छोटे रंग बिरंगे ब्लूमर्स बना लीजिए और फ्रॉक के मैचिंग के साथ बच्चों को पहनाइए। एक टॉप स्टिच लगाएंगे क्रॉच एरिया पे। दोनों साइड को हमें सिंगल फोल्ड करना है। सिंगल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। फिर हम इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक लेंथ जो है 13 इंच है। 2 इलास्टिक लेंगे। फिर इस तरीके से इलास्टिक यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड वाला उसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे इलास्टिक पे स्टिच नहीं करना है। और इस तरीके से खींचते हुए कपड़े को हमको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी रेडी कर लेंगे। लगाने के बाद दोनों साइड हमको स्टिच कर लेनी है।
ग्लूमर्स को हम सीधा करेंगे। फिर कमर वाले हिस्से पे हमको इलास्टिक लगानी है जिसकी लेंथ हमने 20 इंच ली है। सबसे पहले हम इलास्टिक स्टिच कर लेंगे। फिर इसी तरह कमर वाली साइड पे बारीक फोल्ड करना है हमको, सिंगल फोल्ड करना है। सिंगल फोल्ड करने के बाद कमर वाली साइड पे हमको इलास्टिक लगा लेना है और धीरे धीरे आराम से ये इलास्टिक इजीली लग जाती है। और देखिए ये ब्लूमर्स बनके रेडी हो गई है जल्दी से, और ये बहुत आसान है, कोई भी बिगनर्स इसको इजीली बना सकता है। और फिर मैं कल हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।